नमस्कार, लेट्स कुक विद मधु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे किचन में बना रहे हैं कच्चे आम का अचार। यहाँ मैंने 2 kg दशहरी आम लिए हैं। इन्हें मैंने अच्छे से पानी से धोकर और सूती कपड़े से साफ करके सुखा लिया है। अब हम कच्चे आम के पीछे ये जो काला हिस्सा है इसे चाकू से कट करके निकाल देंगे और इन सभी आमों के हम छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। पीसेस कट करके हम इन्हें 12 घंटे तक सुखाएंगे और इनके ऊपर उसी समय हमें हल्दी भी थोड़ी थोड़ी सभी पीसेस पे डाल देंगे। आम के टुकड़ों को 12 घंटे हो चुके हैं और ये 12 घंटे बाद इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मैंने साबुत मेथी ली है, चना दाल ली है, साबुत सौंफ, इन तीनों को मैंने हल्का रोस्ट कर लिया है जिससे कि इनकी नमी चली जाए और हमारे अचार को ख़राब ना होने दें। ये हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, सरसों दाना, नमक और हींग। यहाँ मैंने मेथी, सरसों दाना और सौंफ को हल्का दरदरा पीस लिया है। यहाँ मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था। गर्म करने के बाद यह अब हल्का गुनगुना है। अब हम इसके अंदर हींग डालेंगे। हींग हमारे अचार के टेस्ट को और बढ़ाएगी और ख़राब होने से भी बचाएगी। हमने इसमें हींग डाल दिया है। अब इस तेल को हम अचार के पीसेस पे डालेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा तेल बचा लिया है, इसे हम बाद में डालेंगे। अब हम इस पर मेथी दाना जो कि हमने हल्का पीस लिया था उसे डाला है, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक, सौंफ, इसे भी मैंने हल्का पीस लिया था, सरसों दाना, इसे भी मैंने हल्का पीस लिया था, और यह है चना दाल। चना दाल को हम साबुत ही डालेंगे और इसे हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। यहाँ पर थोड़ी मिर्ची बची थी, वो भी मैं इस पर डाल रही हूँ। मेरे घर में तीखा अचार सभी को पसंद है। आप मिर्ची और नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अगर आपके घर में तीखा कम पसंद करते हैं तो आप मिर्ची कम भी डाल सकते हैं। और ये बचा हुआ तेल भी मैं अब इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये हमारे अचार का मसाला मिक्स हो चुका है अच्छे से। अब हम हमारे अचार को, अगर आपके पास में प्लास्टिक का डिब्बा है तो उसमें डाल सकते हैं, अगर कांच का मर्तबान है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ प्लास्टिक का डिब्बा है तो मैं ये सारे अचार को उस डिब्बे में डालूँगी। आम के पीसेस पर हमारा मसाला अच्छे से कोट हो गया है। अब मैंने इसे प्लास्टिक के डिब्बे में भर लिया है। अब हमारा अचार 2 दिन बाद हम इसे देखेंगे, हमारा अचार डिब्बे में थोड़ा नीचे बैठ जाएगा। हम ऑयल को और गर्म करके उसे ठंडा करके हम ज़रूरत के अनुसार इस डिब्बे में डालेंगे। 10 दिन बाद हमारा अचार खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।